वंदे मातरम पिला मने मु वर्तमान अष्टम श्रेणी पिला मन को मो क्लास को स्वागत कर जनाउछे। आज आम वृक्ष महात्मा विषय तृतीय पीरियड रे उपनीत होइछे। द्वितीय पीरियड पर्यंत आमर विषय प्रसंग कवि परिचय प्रश्न उत्तर किछि भी जाइछ। या पर भी आमर आउ किछि प्रश्न उत्तर रही जाइतिला ताकु आबे आगे समाधान करिबा। आमर वृक्ष महात्मा विषय किए लिखि चांदी अति बड़ी जगन्नाथ दास एटा कौथरु आसीछि कौथरु आसीछि ओडिया भागवतरु आसीछि। दशम स्कंद त्रयोविंश अध्यायर गोपलीला विषयटी आम तार किछि अंश वृक्ष महात्मा ताकु आम पढ़ीछे। से विषय किछि अंश को आम व्याख्या करिबा आम बहीरे देइछि जहाँ आम सरलार्थ बोली कहू। से सरलार्थ को आम निजे आम भाषा से धाड़ी केतटा दिहि आम करिबा। तम बही प्रश्न रे रही दीटा दीटारु तमें गोटे करिबो मु गोटे करिबो कारण मु दीटा को जदि करे तमे निजे पुणी करिबा जानिबा दरकार। तेणु से मु गोटे कहूँ प्रथमटा तुम पाई छाड़ी द्वितीयटा मुदे तमें देख आईटा जमी से आधार करी अन्य पदटार तार अर्थटा को तुम व्याख्या कर बुझला ना। हाँ ताले एबे देख ब्लाकबोर्ड को आम केमती सरलार्थ लिखा मन वचन डट तापरे परलोक आलोच्य प्रसंग टी आम आम कौ बही मुदेली तमें तो कही पार आमर कौ बही एटा कौ बही साहित्यिका है बही नाटा आमको लिखा पड़ साहित्यिका बहिर प्रथम पाठ वृक्ष महात्म्य विषय रु विषय अति बड़ी जगन्नाथ दास का रचित ओडिया भागवत रा दशम स्कंद त्रयोविंश अध्यायर गोपलीला विषय गोपलीला ये कौन गला आमर एई पद्यटा जो पदटा आमर आईची से पदटा कौथरु आसीची से कथा आमे एई
ऊपर स्टैंडर्ड रे लिखी एठी आकु सारी बार गोटे स्टैंडर्ड कला पुनी द्वितीय स्टैंडर्ड आरंभ करबा काहे कि ना आउ गोटे पारा करबा प्रथम पारा रे आमे एई जो पदटा रहिला मन वचने धन करी जे हुए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुख से धन्य इह पर एई पदटा जो विषय रु आसी पूरा बुझे लिखिले प्रथम पारा द्वितीय पारार तार अर्थ टाकु आमे व्याख्या करिबा तार अर्थ कौन रही कौन रही ना यही विषय टी को किए कहते किए कहते निजे स्वयं श्रीकृष्ण तांकरी मुखरे आर वर्णना करा दैछ लेखो ताले लिभै दोछि तळकु लेखिया गोछि मो ये पारा लिभै दोछि पुणी सेकंड पाराटा लिखुछ गोप बालक गाई चराई जाई ग्रीष्मर प्रचंड रौद्र तापरे गच्छ छाइरे विश्राम नेउछन्ति एही समय रे श्री कृष्ण गोप बालकंकु वृक्षर महतपण को बुझाऊ कौन कह बुझाऊ कौन कह वृक्ष जीवित मृत दुईटी अवस्था रे सब बेले कौन करे से जन हितरे लागे जीवित रे कौन लागे पुणी मृत रे कौन लागे ए दीटा को आमे तो पद्य रे आलोचना कला रे व्याख्या करछे तले सेटा को लेखिबा वृक्ष जीवित ओ मृत रे मनुष्य मानकर हित करे जीवित रे कौन करे जीवित थिला बेले तारा पत्रा
फूल फल पत्र फूल फल डाल को दान कर मृत पर मृत हेला पर तार गंडी शाखा मनुष्य घर उपकरण पाई दे बुझेला जदि मानव माने बा मानव समाज वृक्ष को आदर्श करी काय मन वाक्य रे कौन करिवो जन कल्याण रे लगेइबो देखै दउ छी तेनु मानव समाज कौन करिब वृक्षर आदर्श को काय मन वाक्य रे काय मन वाक्य माने तार प्रत्येक चिंता रे जदि जन कल्याण पाई विनियोग करे जन कल्याण पाई विनियोग करे बुझी हो ना ताहले से कौड़ी हब विनियोग करले तेबे से जीवित ओ मृत परे समस्तंकर प्रिय पात्र लोक माने जन समाज सही
जनसमाज से ही व्यक्ति को श्रद्धा सम्मान काल 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 बुझेना ସଳାର୍ଥର ବାକ୍ୟା ତାର ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ବହି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଦେହ ବହି ଏଇଟାକୁ ତମେ ନିଜେ କରିବ ପ୍ରଥମଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମଟା କଲିନି ସେଇଟା ଟିକେ ଆଠାରୁ ଭାବିବ ୟାକୁ ଯେତିକି ଲେଖିବି ତାକୁ ସେତିକି ନାଇଁ ତାର ଇଏ ଚାରି ଧାଡ଼ିକି ତାକୁ ତମେ ବାଖ୍ୟା କଲ ସେଇଟା ଦି ଧାଡ଼ି ଅଛି ଦି ଧାଡ଼ିକି ସେମିତି ବାଖ୍ୟା କରିବ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତମେ ପଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡାକ ଲେଖିଛ ପଢିଛ ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ନାଁ ତା ଦେହରେ ତମର ଏ ବହିରେ କଣ ରହିଛି ଶ୍ରୀରାମ ଅର୍ଜୁନ ସୁବଳ ବିଶାଳ ପାଂଶୁ ଦେବପ୍ରସ୍ଥ ଏଇ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଏଇ ନାଁ ଭିତରେ କୋଉ ନାଁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ନୁହେଁ ତାହେଲେ କୋଉ ନାଁଟି ତମେ ତ ପଢିଛ ତମ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି ତାହେଲେ କୋଉ ନାଁଟି ତମ ବହିରେ ନାହିଁ କୋଉ ନାଁଟି ପାଂଶୁ ବୁଝିଗଲା ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି ସାତ ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖିବ ଗୋଟେ ତମର କେତେଟା ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି ସେଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇ ବ୍ରାକେଟରେ ଚାରି ଚାରିଟା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ମୁଁ ବି କେତେଟା ଅର୍ଥ ତମର ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ଘ୍ରମ କଣ ଝାଳ ଦାରୁ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇଟା ଯାଏ ସେଇଟା ଦାରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଟା କଣ କାଠ ଦିଅନ୍ତି 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 ଅର୍ଥ କଣ ଦିଅନ୍ତି ଏବେ ଜାଣିଗଲା ଏଇଟା ଆମେ ତୋ ପତ୍ର ତମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢିଥିଲ ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ଥରେ ସେଇଟାକୁ ମନେ ପକାଅ ଏବେ ତମ ବହିରେ ଦେଇଛି ମହତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତମ ବହିର ଉଦାହରଣରେ ସେଇଟା ଦେଇଛି ମହତର ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ମହତ୍ଵ ମହତଟା ହେଇଛି ମହତଟା ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ମହତ ମହତ୍ଵ ଦ୍ୱିତୀୟତରେ କପଡ଼ା ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ସେହିପରି ତମର ଆଉ ଛଅଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି କଣ ହେଇଥିବ କଣ ହେଇଥିବ ଗୁରୁ ଗୁରୁର କଣ ହବ ଗୁରୁର କଣ ହବ ଗୁରୁର ତୋ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଖାଲି ତରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଆଉ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କଣ ସେଇ
विशेषत्व विशेष विशेषत्व सत कौन हब सत सत्तो सत्तो आउ तापर जी खुद्र खुद्र रा कौन हब खुद्रत्व खुद्र खुद्रत्व दूरा दूरा रा कौन हब दूरत्व तापर लास्ट रा कौन अछि सो सत्व सोहला सत्तो पूछिए ना एबे तो प्रत्येकटा हमें जान ले नंबरटा देखिबा नौ नंबरटा कोन अछि मन वचन डैश करी जे होए डैश उपकारी ताले एठी जो शब्द उडा को देछि ता धियरु लेखि कि हमें कोन करिबा पद उडा को पूर्ण करिया मन वचन डैश करी मन वचन धने करी जे हुए पर उपकारी खटा कोन शीत बरसा ड्यासे दुख सही ड्यासे दंती सुख ताले आमे तो पद्य रे पढीचे सेटा कोन शीत बरसा कोन हबो घर्म दुख सही आंभ को दंती सुख एटा हम पद्य रे अछि तमे पद्य टा को देखि कि भी एटा करि परिबो आ गोटे कोन अछि 10 नंबर देखो आमे तमे पढि छ सप्तम क्लास रे भी तमे करि छ एटा को आमे गोटिए शब्द रो शब्द जो गोटिए शब्द माने कर आमे कर कहिबा कर गोटे शब्द देखो कर कर र दीटा मीनिंग आछि गोटा होछि कर हला हात कर माने हला हात आ गोटे कर हब कोन कर कोन खंजणा खंजणा दिया जाय तमर सब जमबाड़ी अछि सेटा को खंजणा दिया जाय हमर चकबंदी ऑफिस रे नै कि छुडा को दिया जाय सेटा को खंजणा बोली कह जाय सेटा कर जमी कर दिया जाए से भली तमर एठी केतेटा शब्द रहिछि एई पदरे तमे ताकू टिके भलो बगे चिंता कर ताकू तार व्यवहार कोठी हेछि गोटिए शब्द व्यवहार अनुसार तार अर्थ अलग होछि मु कहबी कर कर अंजलि ढाली कर अंजलि ढाली माने हात हातरे हाथर आंजुला रे पानी ढाली जल ढाली आम कह करंजलि जल ढाली आंजुला रे जल ढाली आम सब सूर्य को देखी थो तुम माँ मैंने सब सूर्य को पानी टेकती सेटा जम बापा जाइंटी आज जमी कर देवा खंजन देवाक जाते जमी आम व्यवहार करचे सेमती ये देख तमर देची निदाग रवि तेज लागी झुरुची मुही पुत्र लागी दुईटी वाक्य अछि गोटे वाक्य अछि निदाग रवि तेज लागी झुरुची मुही पुत्र लागी लागी तळे गार दिया हिछ सेई लागी दीटार लागी होची एकाबलिया लेखा हिछ किंतु अर्थ
बद्धकता रही अर्थ तार अलग अलग अच्छी लगी कौट प्रथम धारी में निदाग रवि तेज लगी लगी मान कौन ये हम कौन देहरे लगी देहरे स्पर्श रे आसवा नहीं कि देहरे जड़ जाए मो देहरे लगी बिछुआरीटा देहरे लगी कुंडी ताले कौन एटे कौन है स्पर्श बिछुआती संस्पर्श आसवर मो देहटा कुंडला से कथा ये कह मन वचन सरी निदाग रवि तेज लगी निदाग रवि तेज लगी निदाग माने सूर्यंकर प्रचंड किरण देहरे लगिज अर्थर आम लगे तेणु आम कौन कर देहरे जड़ी जा संस्पर्श रे आसवा बुझीगला ना लेखिया पड़ब हौ लिखी दे लगी कौन हम किए कह ये कौन अच्छी झुरुची मुहि पुत्र लगी ये लगी कौन पाई बा निमते पुत्र पाई मार अर्थरे लगी मिले जमुनार लगे संचित धन कर्मे लगे संचित धन कर्मे लगे मिले जमुनार लगे ये लगे है कौन कौन है निकट रे जमुना निकट रे पाखरे लगी निकट रे पाखरे लगी कौन संचित धन कर्मे लगे ए लगे कौन हम विनियोग विनियोग करिबा विनियोग आम संचित कर धन रखीजे ताकू आम जो लगे से दब ना जो सब जो पाइब सेब कि दबनी संचित धन कर्मे लगे जो धन संचित कर रखी था तमें सब पाठ पढ़ बापा माँ मैंने संचय करम सब रखी से गुटाक ठीक बाटर लगे से अर्थर यमे आसब संचित कर धन रखी पिंपुड़ी तार खरा दिन कौन करता है सुखिला पागरे से तार खाद्य संचय करके रखे कौन पाई रखे ना तार वर्षा पागरे से तो बाहर न पार गातरू से कौन कर लगे व्यवहार नेक्स्ट नंबर रही प्रतिशब्द प्रतिशब्द तो तमें जान तेणु यहाँ तृतीय श्रेणी कर तेणु तमे करिबो ना आउ कौन अच्छी आउ कहार कौन दी अच्छी तमे मते कहिबो मु ताकु तुमको कहिदेबे बुझीगला एबे आजिरो क्लास को एठी रखिया नेक्स्ट इयर को आमे नुवा विषय पढ़िबा एबे जिबा अरबर।